और एक और बड़ी खबर आपको कन्नौज से दे देते हैं। एक लड़की के साथ गैंगरेप की घटना यहां पर सामने आई है और बताया जा रहा है कि लड़की के साथ चार लोगों ने मिलकर गैंगरेप किया है। लड़की ने चारों युवकों पर कांचीराम कॉलोनी में बंधक बनाए रखने का आरोप भी लगाया है। पुलिस ने अब रेप का केस दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। तो सनसनीखेज घटना सामने आई है कन्नौज से, जहाँ पर चार युवकों पर लगा है रेप का आरोप। इतना ही नहीं, इस युवती ने यह भी कहा कि उसको बकायदा कैद करके इन युवकों ने रखा हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक महिला ने जो सफीपुर जप्ती गांव की है, उसने एक 363/66 का मुकदमा थाना गुरसहायगंज में लिखाया है कि उसकी लड़की को नसीरुद्दीन, जो उसके का सगा रिश्तेदार है, भगा के ले गया था। उसमें गांव के तीन लोगों पे उसने और आरोप लगाया है, जो उसके सगे ताऊ का लड़का है, उसके बुआ का लड़का है और एक महिला है, जिसपे उसको लड़की को रिकवर किया गया है और एक आरोपी को भी अरेस्ट कर लिया गया है। इसमें 161 का लड़की का बयान हुआ है, जिसमें उसने बताया है कि उसके साथ कोई बलात्कार जैसी कोई घटना नहीं हुई है, फिर भी उसका मेडिकल कराया जा रहा है, उसका 164 के बयान कराए जाएंगे।